प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देख लीजिए मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका पूरा साइज़ दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ की लेंथ 13 इंच रखी है और 3 इंच की गले की चौड़ाई पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं मार्क कर देती हूँ और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया है। गले का लेंथ का साइज़ मैं 11.5 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर देंगे। अब जो मैंने मार्क किया था सबको बराबर कर लेते हैं। अब ऊपर के साइड गले पे हम 3.5 इंच का एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 3.5 इंच में मैंने मार्क करके बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब हम राउंड में कर दिए हैं ऊपर के साइड के गले को, और नीचे के साइड का आपको वीडियो में दिख गया होगा कैसे मैंने मार्किंग की है। 1.5 इंच की मैंने 3 इंच से मार्किंग एक्स्ट्रा ली है बीच में। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देख लीजिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेती हूँ, बिल्कुल बराबर में रख देंगे। अब इसकी भी कटिंग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अस्तर की है। तो देख लीजिए मेरे अस्तर की कटिंग हो चुकी, सॉरी ब्लाउज़ की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं स्टिच करूँगी। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे पहले, और सिलाई लगा के पहले गले को स्टिच कर लेते हैं। तो देख लीजिए मेरा गला स्टिच हो चुका है। इस पर मैं कट्स लगा लेती हूँ। पूरे गले पे कट्स लगा लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखाई हूँ। तो मैंने पूरे गले पे कट्स लगा लिए। इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ को पूरा उलट कर सीधा कर लिया। अब इस पर एक सिलाई लगा के पूरे गले को एक बार फिर से स्टिच कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने पूरे गले को स्टिच कर लिया है कम्प्लीटली। अब ब्लाउज़ की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर ली है। ये देख लीजिए अब इस पर डिज़ाइन बनाना है। तो इसको एक साइड कर लेंगे, और मैंने ये कपड़े लिए इसके मैं कुछ पतली पट्टियाँ स्टिच कर दूंगी। तो देख लीजिए वीडियो में कुछ हम पट्टियाँ स्टिच करेंगे, और इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पट्टी को सीधी कर ली है। अब मैं इस पे जो है डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसको मैं 2.5 इंच की लंबाई पे कट कर लेती हूँ। तो पूरा इसी साइज़ में 2.5 इंच पे हम सबको कट करेंगे। तो एक बराबर में हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको कट कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टियाँ कट कर दी है। अब इस पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये मैंने जो अंदर का अस्तर मेरा कट के गले में से निकला था वो ले लिया है। उस पर मैं 2 इंच का निशान नीचे के साइड से लगा रही हूँ। ये देख लीजिए मैंने मार्किंग कर दी। अब यहीं से मैं कट कर देती हूँ इसको। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं न्यूज़पेपर यूज़ करूँगी, आप भी यूज़ कर लीजिएगा, इसी से बनाया जाएगा। तो न्यूज़पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने अभी बीच में से कट करके डिज़ाइन निकाला है उसको रख के देखिए मार्क कर देंगे। पूरा बराबर में मार्क कर लीजिएगा और इसको कट कर देंगे। तो नीचे के साइड से थोड़ा बढ़ा के कट कीजिएगा क्योंकि मुझे स्टिचिंग में भी डालना है इसे। तो मैंने देखिए इसको ले लिया है। अब मैं जो डिज़ाइन बनाई हूँ पट्टियों वाला, इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो देखते रहिए मैं कैसे स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो
बिल्कुल हल्की सी गैपिंग, थोड़ी सी गैपिंग दीजिएगा, ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल इस साइड से बराबर भी करके स्टिच करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए मैंने पूरे पट्टियों को स्टिच कर दिया है इस साइड से। अब यहाँ पे जो मैं पैपन करूँगी तो मैंने जो है थोड़ा क्रॉस कटिंग कर ली इस पट्टियों की, इससे ये स्ट्रेचबल है पट्टियाँ, इनको मैंने जॉइंट करके इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ, तो मुझे पाइपन बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। इस तरीके से पाइपन आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब जो मैंने डिज़ाइन भी बनाया हुआ है उसके साइड में हम इसको स्टिच करेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। तो ये देख लीजिए मैंने बराबर करते इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको मैं गोल करके पूरा पाइपन बना लेती हूँ और इसके बाद एक सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर देंगे पाइपन को। तो मेरी पाइपन देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली स्टिच हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है। तो मैंने पाइपन देखिए कम्प्लीटली बना दिया है। अब दूसरे साइड से भी हम डिज़ाइन को बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा बराबर करके डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है। अब इस पे मैं मोती लगाऊंगी तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने गोल्डन कलर बड़ी वाली मोती लिया है। अब इसको मैं नीडल्स की सहायता से मोती को लगाऊंगी। तो पहले देखिए हम कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं पट्टी का, फिर इसके बाद इस पर मोती लगाएंगे। तो मुझे पट्टी में मोती नहीं लगानी है, बीच में जो गैपिंग आ रहा है वहाँ पे मुझे मोतियाँ डालनी है। तो देख लीजिए कैसे मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो ये देखिए ऐसे ही आपको बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो देख लीजिए मैंने आपको कुछ जो है मोतियाँ लगा के दिखा दिए कैसे मैं मोतियों को लगा रही हूँ डिज़ाइन में। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोई डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और आपको मैं सिखाने के लिए बहुत ही हार्डवर्क करके वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी डिज़ाइन देखिए कम्प्लीट हो चुकी है, पूरा मोती मैंने लगा लिया है। अब इसको देखिए मैंने ब्लाउज के साथ बिल्कुल बराबर कर लिया, बीच से मार्क कर लीजिएगा। बीच से मार्क करने के बाद फिर हम इसे स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर में स्टिच होगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ से देखिए थोड़ा लॉक कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, देखिए मैंने लॉक कर ली इसको। अब बीच से बिल्कुल बराबर करके फिर स्टिच कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने बीच से मार्क करके बराबर करके फिर पूरा स्टिच कर लिया है। इस साइड से भी यहाँ से भी हम लॉक कर देंगे। ये देखिए मैंने डिज़ाइन को पूरा कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब मैं जो ऊपर के साइड है वहाँ से हम डोरी लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए रिमूव मैंने कर दिया, जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा ये वॉश करने के बाद निकल जाएगा। अब नीचे के साइड से हम ट्रक्स लगा लेते हैं पहले। तो मैं आपको नीचे के साइड से ट्रक्स लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से हम पतला वाला ट्रक्स लगाएंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाएंगे। अगर आप थोड़ा मोटे या हेल्थी लोगों का बना रहे हैं ब्लाउज़ तो आप चौड़ा भी ट्रक्स लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने ट्रक्स लगा लिया नीचे के साइड। दूसरे साइड से भी हम ट्रक्स लगा लेते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से ट्रक्स लगा लिया है। अब मैं अस्तर का कपड़ा का एक पट्टी कट की हूँ, अब इसको मैं नीचे के साइड रखते हुए पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो आप जितना हाइट रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ का उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, फिर नीचे के साइड से आप इसको फोल्ड करके स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए ये फैब्रिक इस पर स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको फिक्स करके और अच्छे से स्टिचिंग कर लेती हूँ।
ये मेरी स्टिचिंग देखिए कम्प्लीटली हो चुकी है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देती हूँ। तो नीचे के साइड से कम्प्लीटली देखिए मैंने पूरा बना दिया है इसको, बस थोड़ा सा स्टिचिंग बाकी है। ये देख लीजिए स्टिच हो चुका है नीचे के साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ऊपर के साइड से हम इस पर डोरी लगा लेते हैं। यहाँ से मैं डोरी बना के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैं क्रॉस कटिंग करूँगी जिससे ये स्ट्रेचबल रहे और ये फ्लावर्स बनाने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसको मैं डबल फोल्ड करके, दो फ्लावर्स मुझे बनाने हैं दो डोरियों के लिए, तो इसको मैं डबल करके कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दो फ्लावर्स बनाने के लिए इसको कट कर दिया है। अब मैं थोड़ा छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए भी कट कर लेती हूँ फैब्रिक। अब चलिए मैं आपको फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ कि कैसे फ्लावर्स बनाया जाएगा। तो वीडियो में आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं डोरियाँ कैसे बना रही हूँ। ये देखिए एक मैंने स्टिच कर दिया, अब इसको मैं उलटकर सीधा कर देती हूँ। अब इसी तरीके से एक और लेंगे जो मैंने छोटा वाला कट किया था, इसको भी मैं डबल फोल्ड करते हुए पहले स्टिच कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने इसको पूरा स्टिच कर दिया है। ये मेरा देखिए एक डोरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरी डोरी भी कंप्लीट करूँगी, तो मैं आपको दूसरा डोरी दिखा देती हूँ। मेरे दोनों डोरियाँ देखिए कंप्लीटली बन चुकी है। इसको मैं ब्लाउज के साथ में अब स्टिच कर देती हूँ तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं डोरी को स्टिच करूँगी, तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे डोरियाँ बना रही हूँ। ये देख लीजिए एक डोरी मैंने दोनों डोरियों को कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। यहाँ से मैं डोरियों को बांध लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी ब्लाउज डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और भी डिज़ाइंस लेके आती हूँ, वीडियोस लेके आती हूँ। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगे और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी। अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।